तो चलिए रियलमी 5S का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में रियलमी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसका नाम है रियलमी 5S, जो कि रियलमी 5 का अपग्रेड वर्जन है। जैसा कि आप सबको पता है कि रेडमी नोट 8 लॉन्च किया गया है, लेकिन उसके सामने में रियल 5 थोड़ा फीका पड़ता है। इसलिए रियलमी ने सोचा उसे टक्कर देने के लिए अपना एक अपग्रेड वर्जन रियलमी 5S इंडिया में लॉन्च करते हैं। तो फाइनली 20 नवंबर को रियलमी 5S आने वाला है। तो चलिए इसी का फुल डिटेल आपको इस वीडियो में हम बता देते हैं। तो इसकी अगर मैं बात कर लूँ वेरिएंट से, तो ये लगभग दो वेरिएंट में आने वाला है, मुझे इतना पता है। 3 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज के साथ एक आता है, 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज के साथ, तो दो वेरिएंट में आने वाला है। तो इसकी मैं डिस्प्ले से बात कर लूँ तो इसमें हमें देखने को मिलता है 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जिसमें हमें ड्रॉप नोच छोटा सा एक देखने को मिलता है, और इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। बैक पैनल देखने को मिलेगा, वही रियलमी 5 का क्रिस्टल डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा। स्लिम काफ़ी है स्मार्टफोन। तो वही मैं बात कर लूँ इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो इसमें बहुत बड़ा बैटरी देखने को मिलता है, यानी कि 5000 mAh का बैटरी इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करो तो इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर दिया गया है, जैसा कि आप सबको पता होगा रियलमी 5 में भी था यही प्रोसेसर, 665 का प्रोसेसर देखने को मिलता था। उस तरह प्रोसेसर में कोई भी अपग्रेड नहीं किया गया, सीधा उठा के 60 दिया गया है रियलमी 5S में। तो प्रोसेसर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो चेंज किया गया है तो कैमरा क्वालिटी में। तो कैमरा क्वालिटी की बात करो तो हमें देखने को मिलता है इसमें कैमरा, जो रेयर कैमरा की मैं बात करता हूँ, तो 48 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, उसके बाद 8 MP का जो कि वाइड एंगल में आप सबको मदद करेगा, 2 MP जो कि डेप्थ सेंसर में काम करेगा, यानी कि आपका फ़ोटो ब्लर होने में काम करेगा, 2 MP जो कि माइक्रो लेंस में काम करेगा, जो कि आप छोटा से छोटा जैसे कि स्मार्टफोन सामने ले जाएंगे कैमरा, तो नॉर्मल स्मार्टफोन में जो कि ब्लर हो जाता है, लेकिन इसमें पूरा पूरा कैप्चर कर लेगा फ़ोटोज। वहीं मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो 13 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, 16 MP का होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो ये मैं बात कर लूँ इस स्मार्टफोन में सेंसर की, तो बैक के साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, और फेस अनलॉक जो कि नॉर्मल सा है कि आप सबको मिलेगा, और जैक इसमें मिलता है 3.5 mm का जैक, और सिम के मामले में आप 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एक साथ ही लगा सकते हैं। तो ये सब बातें था जो कि आप सबको रियलमी 5S के बारे में बताया। तो प्राइस की बात कर लूँ तो इस स्मार्टफोन में अगर आप 3 GB एंड 32 GB स्टोरेज के साथ जाना चाहते हैं, तो हो सकता है 7999 रहे, यानी कि 8000, और अगर आप 4 GB 64 GB के साथ जाना चाहते हैं तो 9999 रहे हो सकता है, या 7999 हो सकता है। तो 10000 या 8000 या 9000, इसी तीनों के बीच में इस स्मार्टफोन का प्राइस होने वाला है। तो रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बताएं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सबका मन हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करिएगा।